कैसे सोचेगा? देखो मैं आपकी बात समझ गया और मैं आपने बहुत अपनी कठिन विजन बात को उतना कही। बड़ा ले जाना चाह रहा हूँ। मैं करूंगा, मैं करना चाहता हूँ, मैं कर सकता हूँ। मतलब ऐसा नहीं कि मैं, जैसे क्या है कि आप दिल्ली जाना चाह रहे हैं और तुरंत जाना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे पास तो अभी बाइसिकल भी नहीं है और तो पैदल ही जाना पड़ेगा। तो मैंने पैदल चलना शुरू कर दिया, रास्ते में साइकिल मिलेगी, साइकिल में बैठ जाऊंगा, हवाई जहाज मिलेगा, हवाई जहाज में। नाउ आई बहुत गॉट, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हाँ, देवयानंद फास्ट जी ट्रैकिंग भी मुझे आपसे आपके द्वारा मिली है। मैं उससे जुड़ के बहुत, मतलब मुझे लगता है कि भगवान ने मुझे हमेशा उस मौके से परिचित कराया है जो समय की जरूरत है। और इस स्टेज में जो कि अभी हम प्राण प्रतिष्ठा को पूर्ण करने वाले हैं और मंदिर अपना चालू हो जाएगा अपने द्वारा ऊर्जा से, वो खुद चलता रहेगा और हम ये सेवा वाले कार्य में जुड़ जाएंगे पूरी तरह से। अच्छा ये बताइए और देवयानंद जी, कल जो मैं आप लोगों के बीच में पहुंचा, आपको नहीं लगता है कि ये दैवीय संयोग था? नहीं, बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। देवी संयोग ही था मेरे लिए तो, था क्योंकि बर्सिया जी ने पहले भी वो सारे मैसेज डाले थे आपके प्राइम प्री भारत, लेकिन वो उतना इम्पैक्ट नहीं बना पाया जितना आपने के आने से और 15 मिनट जो संबोधित करने से। जिनको वो परिवर्तन फील हुआ है वो जरूर प्रभावित हुए हैं। और खाली प्रभावित हमारा उद्देश्य नहीं है, आपका भी उद्देश्य नहीं है, एक्शन होना हमारा उद्देश्य है। उसमें एक्शन हो और लोग जो है इस पे सही व्यक्ति को जोड़े, क्योंकि अगर आप मान लीजिए मैंने रिप्लेस कर एक दिया। मिनट देवयानंद जी, देवयानंद जी, देवयानंद जी, थोड़ा सा करेक्ट करेंगे। हम सही और गलत के विश्लेषण में ना जाएं, क्योंकि कोई भी व्यक्ति पूरी तरह से सही नहीं है और कोई व्यक्ति पूरी तरह से गलत नहीं है, राइट? तो हम अपनी एनर्जी को क्यों खराब करें? देखिए, इसमें हमने कहा है कि यदि कोई अपराधी सबसे अधिक लोगों को जोड़कर चंद्रगुप्त अपने आप को स्थापित करता है, तो हम उसे महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे। मतलब बाकी लोगों को चंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे, लेकिन उस अपराधी को महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट देंगे। और कई वीडियोज में मैंने उस महाचंद्रगुप्त की परिभाषा को समझाया है। मैं आपके लाभ के लिए उसे एक बार रिपीट करता हूं। हाँ, मैं नहीं समझ पाया हूँ, ऑनेस्टली बोले नहीं, कि चंद्रगुप्त मैं अभी को। आप एक मिनट में समझ जाएंगे। जैसे अज्यूम करें कि दिव्यानंद जी एक बहुत बड़े अधिकारी अपराधी हैं, उन्होंने कई मर्डर्स किए हैं, कई क्राइम किए हुए हैं, राइट? जैसे कि आपके वाल्मीकि जी ने भी डकैत थे, वो थे कि नहीं थे? जब साधु संतों के संपर्क में आए और उन्होंने कहा तुम क्या कर रहे हो, जब उन्हें अपनी गलती महसूस हुई तो वो महर्षि वाल्मीकि बन गए हैं। लिहाजा किन परिस्थितियों ने किसी को अपराधी बनने का मौका दिया है, इसमें हम विवेचन में नहीं जाना चाहते हैं, और हम इस विवेचन में भी नहीं जाना चाहते हैं। हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं बांटना चाहते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है। बुरे से बुरा व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ अच्छाइयां होती हैं, और अच्छे से अच्छे व्यक्ति में भी कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं, हमें वो ज्ञात हो चाहे ना हो, नंबर एक। दूसरी बात, जो अपराधी तत्व है, यदि वो जोड़ने में लोगों की ज्यादा मदद करता है तो वो ज्यादा महान है। क्यों महान है मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारा मॉडल कह रहा है कि यदि आप अपराधी हैं तो आपको कोई लाभ नहीं मिलेगा, आपको टिकट नहीं मिलेगा, आप मंत्री नहीं बनेंगे, आप कुछ नहीं बनेंगे, राइट? तो एक अपराधी अपने पुराने पापों को धोने के लिए, अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए, यह जानते हुए कि उसे इस व्यवस्था से कोई लाभ नहीं मिलेगा सीधा, मतलब व्यक्तिगत लाभ नहीं मिलेगा, बाकी तो जब व्यवस्था ही बदल जाएगी तो सभी को लाभ मिलेगा, सब भारतवासियों को लाभ मिलेगा। लेकिन जो सीधा लाभ होता है कि मैं जो है ना प्रभावशाली पोस्ट पे मिल जाएगा, मुझे कोई पद मिल जाएगा, या मुझे एमपी का टिकट मिल जाएगा, या मुझे मंत्री बनने का मौका मिलेगा, तो आपराधिक रिकॉर्ड के व्यक्ति को इन सब चीजों से बाहर रखा गया है। और यही, चूंकि वो बाहर है इसलिए हम उसको महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट दे रहे हैं। और उसकी भाषा इस तरीके की है कि दिव्यानंद जी ने ये अपराध किए हैं। दिव्यानंद जी को मालूम था कि उनके आपराधिक रिकॉर्ड के कारण उन्हें सीधे कोई लाभ का हक नहीं होगा, इसके बावजूद भी उन्होंने व्यक्तिगत प्रयास करके इतने लोगों को जोड़ा है। हम उनका नमन करते हैं, उन्हें महाचंद्रगुप्त घोषित करते हैं। हम उस व्यक्ति का जिसको आप अपराधी कह रहे हैं, हम उस व्यक्ति को
ये जानते हुए कि साहब हमारा आपराधिक रिकॉर्ड के कारण हमें कोई लाभ का पद नहीं मिलेगा, हमें कोई सम्मान का पद नहीं मिलेगा, फिर भी उस व्यक्ति ने अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए लोगों को जोड़ा है, तो दिव्यानंद जी वो उन लोगों से अच्छा नहीं है जो साले दुष्ट अपने आप को अच्छा कहते हैं और कुछ करने के लिए तैयार नहीं है। मेरे ख्याल से तो वो अपराधी उन अच्छे लोगों से बहुत हजार गुना लाखों गुना ज्यादा बेहतर है। क्यों? क्योंकि उसने उसका दिमाग तो कम से कम सकारात्मक है, वो अपने आप को और अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहता है। हम तो विद्वान लोग इन्हीं की चाटुकारिता कर रहे हैं, गुलामों के नियम थोपे हुए हैं और हम फूलमालाएं है पहनाते हैं। हमारी विद्वत्ता कहाँ गई है? क्या हमें अपने आप को विद्वान कहने का हक है? आपको मालूम है दिव्यानंद जी, 2017